गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सुहाना लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुहाना। तो कैसे हैं आप? होपफुली आप अच्छे होंगे, हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी, कुछ ऐसा व्लॉग नहीं है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ और वो है स्किन से रिलेटेड। स्किन, ये मौसम चेंज हो रहा है, जैसे समर्स आ रही है, विंटर्स जा रही है, तो मौसम चेंज हो रहा है और मौसम जब चेंज होता है तो आपको पता है स्किन खिंचने लग जाती है, ग्लो खत्म हो जाता है। मेरी तो स्किन पे एलर्जी भी हो रही है, पता नहीं किस चीज की एलर्जी हो रही है। तो उसी से रिलेटेड एक मास्क मैं आपको लेके आई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आइए मेरी वीडियो में और आइए मेरे साथ देखते हैं कि वो मास्क मैं क्या लेके आई हूँ और किस तरीके से ये वर्क करेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है, घर पर ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं, तो उसी से रिलेटेड ये मास्क है। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं कि आज मैं आपके लिए कौन सी वीडियो लेके आई। लेट्स गेट स्टार्टेड। मास्क बनाने की हम तैयारी कर लेते हैं, जिसमें से हमें ये बेसिक सामान चाहिए। यह है थोड़ा सा लेमन, अगर ये आपको सूट नहीं करता तो आप दही भी ले सकते हैं या इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। चावल का आटा वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए। और यह है मुल्तानी मिट्टी, गर्मियाँ आ गई हैं तो ठंडक पहुँचाने के लिए और अच्छी सी फ्रेश स्किन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है ऑरेंज पील्स, इसकी वीडियो, पील कैसे बनाते हैं, इसके पाउडर कैसे बनाता है, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ दूंगी। रोज वाटर से ही हम इसका पूरा पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना लेते हैं। एक कटोरी मैंने ले ली है, उसमें हम चावल का आटा डाल देंगे। क्वांटिटी आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो लेमन है वो मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है और सब छोटा छोटा एक चम्मच है। ये चारों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। रोज वाटर डालेंगे और थोड़ा सा, ज़्यादा थिन भी नहीं और ज़्यादा थिक भी नहीं, हम पेस्ट बना लेंगे। ये आपको रोज़ वाटर का कोई मेजरमेंट नहीं है, तो आप जितना पेस्ट बन रहा है आप उतना ही बनाना। ये बहुत थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, तो हमें इस वाली फॉर्म में इसको रखना है। चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। फेस मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। ये देखिए, पता नहीं मेरी स्किन पे क्या हो रहा है, जैसे स्किन छूटने लग जाती है ना, उस वजह से हो रहा है ये, पता नहीं। तो मैंने वॉश कर लिया है, कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं क्योंकि गिरता है थोड़ा सा, तो इस वजह से। तो अब मैं ये लगा लूँगी। आपको ना ऊपर करके लगाना है, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। मैं मिरर ले लेती हूँ, मिरर लेना भूल गई हूँ, तो मिरर ले लेती हूँ। तो मिरर मैंने ले लिया है, मैं अप्लाई करूँगी। इसको 15 से 20 मिनट रखना है, जब तक ये थोड़ा सा सूख नहीं जाता। और ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह नहीं बनेगा क्योंकि हमने इसमें ऑरेंज पील्स के पाउडर भी डाले हैं, तो ये थोड़ा सा आपको रूखा लगेगा। और कपड़े भी आप ऐसे पहनना कि गिरे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 15-20 मिनट के बाद मैं वॉश करूंगी, फिर मैं आपको अपनी स्किन दिखाऊंगी। ये ऑलमोस्ट सूख चुका है, 15 मिनट हो गए। इसको बहुत ज्यादा आपको सुखाना नहीं है, वरना आपकी स्किन बहुत ज्यादा खिंचेगी। चलिए मैं जल्दी से वॉश कर आती हूँ, बात ना करते हुए मेरी स्किन लूज कर सकती है। वॉश करके दिखाती हूँ इसका रिजल्ट, जो अच्छा आएगा। ये देखिए, फेस हल्का सा रेड हो सकता है क्योंकि लेमन होता है ना इसमें, तो इस वजह से। और अगर सेंसिटिव स्किन है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। और कितना अच्छा ग्लो आया है ये देखिए, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। हमें क्लीनअप की कोई ज़रूरत नहीं, अगर हम ऐसा मास्क अपना अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में करती रहती हूँ, तो
कैसा लगा आपको मेरा मास्क मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और जरूर मुझे कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।